हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू नेचुरल ने क्या आपको भी सिलाई करना बहुत ज्यादा पसंद है और यूट्यूब पे इतना ज्यादा आसान तरीका भी आता है कि इसे देखकर कोई भी सिलाई सीख सकता है और आसानी से बना सकता है तो अगर आप भी अपने छोटे मोटे कपड़े हैं जैसे कि रनिंग के सूट वगैरह है खुद ही बना लेते हैं क्योंकि बहुत ज्यादा महंगी सिलाई है तो फिर ट्राई सब लोग करते हैं घर पर आप भी अगर ऐसा कर लेते हैं और आपके पास सूट के बचे हुए कोई कपड़े पड़े हुए हैं और आप सोच रहे हैं कि कोई अच्छा सा इस्तेमाल करें उसका तो मैं आज आपसे शे शेयर कर रही हूँ ऐसे दो आइडिया जिसे बनाना बहुत ज्यादा आसान है छोटे बड़े सभी को काम आ सकते हैं और ये सबको बहुत ज्यादा पसंद भी आएंगे तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं हम आज का वीडियो और बचे हुए कपड़े का इस्तेमाल करेंगे और बहुत ही ज्यादा प्यारी सी दो चीजें बनाएंगे वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना शेयर करना चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना तो सबसे पहले आइडिया के लिए मैंने जो बचा हुआ कपड़ा था उसमें से एक पीस इस तरीके से कट कर लिया है रफ है जिस पे निकाल दिया साइड से ट्वेंटी फाइव बाई थर्टीन इंच का ये पीस मैंने लिया है इसी के साइज़ का मैंने फोम और अस्तर ले लिया है आपके पास फोम नहीं है तो यहाँ पर आप राइस बैग या फिर आटा बैग होती है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं नीचे आप कोई भी अस्तर का इस्तेमाल कर सकते हैं अब इन तीनों को सेट करके हमें रखना है और इस तरीके से सिलाई करके अटैच कर लेंगे चारों ओर से और फिर यहाँ पर बीच में भी सिलाइयाँ करके हम इसमें क्विट बना लेंगे दोनों साइड से सिलाई करेंगे तो बीच में स्क्वायर बन जाएगा उसके बाद देखिए इस तरीके से साइड से मैंने टेन इंच पर मार्क किया नीचे से ऊपर सिक्स इंच पर फिर से सिक्स इंच वाला जो मार्क था वहाँ से ऊपर मैंने सिक्स इंच तक किया है और फिर यहाँ ऊपर टू इंच तक किया है तो टोटल ये हमारा फोटीन इंच होगा नीचे से ऊपर तक और साइड से होगा टेन इंच तो इस तरीके का एक पीस मैंने कट कर लिया अब जो बचा हुआ कपड़ा था उसमें से और मैं फोर इंच पर इस तरीके से मार्क करूँगी सीधी लाइन में मार्क करना है और फिर यहाँ से हम इसे कट कर लेंगे तो ट्वेल्व इंच इसकी लंबाई है और फोर इंच इसकी चौड़ाई है अब इस तरीके से इस बैल्ट को हम बीच से फोल्ड करेंगे और यहाँ पर मार्किंग कर लेंगे तो इसका ये सेंटर निकल आया है अब इसी को हम यहाँ पर इस तरीके से कट कर लेंगे तो ये हमें दो स्ट्रिप मिल गई है अब हमें लेनी है एक जेप जो कि हम लेंगे 12 इंच की और इस कपड़े के ऊपर एक स्ट्रिप के ऊपर उल्टी रखेंगे और सीधी सिलाई कर लेंगे फिर सेकंड साइड पर टर्न करके यहाँ पर हम प्रेस स्टिच कर लेंगे तो ये हमारी प्रेस स्टिच भी हो गई है अब देखिए जो दूसरी स्ट्रिप थी उसके ऊपर हम जिप को रखेंगे और इस तरीके से हम यहाँ पर अटैच कर लेंगे फिर इसे भी सेकंड साइड पर टर्न करके यहाँ पर भी हमें प्रेस स्टिच कर लेनी है और यहाँ पर जिप में मैंने ऑलरेडी रनर ऐड किया हुआ था अब जो बाकी का कपड़ा था वो लेंगे हम जो दूसरा पीस कट किया था उसे और इस तरीके से हम इसे यहाँ पर राउंड शेप दे देंगे तो ये इस तरीके से कट कर लिया अभी इसे सेकंड साइड पर टर्न करके दूसरी साइड पर भी हम सेम तरीके से कट कर लेंगे तो यहाँ पर देखिए इस तरीके का ये हमें थोड़ा सर्कल शेप वाला पीस uh, मिल गया है अब इस तरीके से हम इसे फोल्ड करेंगे यहाँ पर इसका सेंटर निकालेंगे तो आप मार्क कर लीजिए या फिर कट लगा दीजिए तो ये मैंने दोनों साइड पर कट लगा कर सेंटर निकाल लिया है अब जो बेल्ट था जिप वाला वो हम लेंगे और उसे भी बीच से फोल्ड कर लेंगे और यहाँ पर देखिए दोनों साइड पर कट लगा कर हम इसका भी सेंटर निकाल लेंगे अब इन दोनों के सेंटर को हमें इस तरीके से मैच करना है यहाँ पर हम पिन लगाएंगे आपके पास पिन नहीं है तो आप पिन का इस्तेमाल कर लें और दोनों साइड पर इस तरीके से फिक्स कर लें अब जो बचा हुआ कपड़ा था उसे हम इस तरीके से बीच से कट करके दो हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे और फिर यहाँ हमें अटैच करना है पर इससे पहले हम एक स्ट्रिप बनाएंगे छोटी सी तो ये मैंने सिक्स इंच की एक स्ट्रिप बना ली है इसे बीच से मैं फोल्ड करके कट कर लूँगी तो हमें दो स्ट्रिप मिल जाएगी अब इस स्ट्रिप को हमने जो जिप वाला बेल्ट रेडी किया था ना वहाँ जिप के सेंटर में इस तरीके से अटैच कर लेना है तो देखिए दोनों साइड पर इस स्ट्रिप को मैं रखकर इस तरीके से फोल्ड करके रख के यहाँ पर सिलाई कर लूँगी उसके बाद जो हमने यहाँ पर कपड़ा अटैच करना था वो कपड़ा लेना है और इस तरीके से देखिए दोनों कपड़ों की राइट साइड अंदर की तरफ रखते हुए हम सिलाई कर लेंगे और सेकेंड साइड पर टर्न करके हम यहाँ पर प्रेस स्टीच कर लेंगे तो यहाँ पर देखिए मैंने प्रास्टिच कर ली है अब जो हमने कपड़ा जॉइंट किया था इसकी चौड़ाई जो है वो फोर इंच है तो यहाँ पर नीचे हम टू इंच पर मार्क करेंगे क्योंकि फ़ोर का हाफ टू होगा और ये कपड़ा देखिए इस तरीके से ओपन करेंगे तो फोर होगा दोनों साइड से हमने टू इंच पर मार्क कर लिया है अब देखिए इस तरीके से हम यहाँ पर अटैच करते जाएंगे और जो मार्क किया था वहाँ पर हम इस तरीके से पिन लगा देंगे पिन लगाने के बाद जो बेल्ट हमने यहाँ पर अटैच किया है उसे इस तरीके से फोल्ड करके पकड़ेंगे और जो भी एक्स्ट्रा है उसे हम कट करके निकाल देंगे अब इस तरीके से यहाँ पर हम बोल्ट बेल्ट को नीचे जो दोनों मार्किंग थी वहाँ पर इस तरीके से सेट करेंगे और फिर ये यह यहाँ पर इस तरीके से अच्छे से सेट हो जाएगा यहाँ पर भी मैंने पिन लगा दी है सेम इसी तरीके से हम सेकंड साइड करेंगे तो जो कटा हुआ हिस्सा था उसी का इस्तेमाल करके सेकंड साइड भी मैंने कट कर दिया है और जहाँ पर भी हमने पिन लगाई थी वहाँ पर अब हम सिलाई करके इसे फिक्स कर लेंगे तो देखिए बहुत ज़्यादा आसान तरीका है जैसे हम लोग मेज़रमेंट लेते हैं वो सब मैंने आपको आसान तरीके से समझाया है आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा अच्छा लगा है समझ आया है तो कमेंट जरूर करना तो देखिए ये मैंने पूरे में अटैच कर लिया है साइड से जो भी रफ है दिख रही है एक्स्ट्रा लग रहा है उसे भी मैंने कट कर दिया है अब यहाँ पर मैं कोई और स्ट्रिप अटैच नहीं कर रही हूँ आप चाहें तो कर सकते हैं मैंने साइड में एक और सिलाई यहाँ पर कर ली है तो देखिए अच्छी फिनिशिंग के साथ ही रेडी है अब इसे हम रनर के पास से ओपन करके सीधा कर लेंगे अच्छे से कॉर्नर निकाल लेने हैं अब इसका इस्तेमाल मैं कर रही हूँ अंडर गारमेंट रखने के लिए ट्रैवलिंग के लिए ये हमारा बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल और प्यारा सा डिज़ाइनर पाउच बनकर रेडी है आप जैसे चाहें वैसे इसका इस्तेमाल कर सकते हैं ट्रैवलिंग में भी कर सकते हैं घर में भी छोटे मोटे सामान को रखने के लिए ये बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होते हैं तो कैसा लगा ये पहला वाला आइडिया कॉमेंट करना अच्छा लगा है तो लाइक करना नेक्स्ट आइडिया देखते हैं तो उसके लिए भी मैंने बचा हुआ कपड़ा ही यूज़ किया है तो इस तरीके से एक कपड़ा था उसे मैंने बीच से कट कर दिया है कपड़ा कम था तो इसमें मिक्स एंड मैच करता हुआ मैंने एक और प्लेन कपड़ा ले लिया है और उसे भी देखिए इस तरीके से मैंने फोल्ड करके रखा है और इसे मैंने साइड से जो भी एक्स्ट्रा था कट कर दिया और इस तरीके से बीच से भी कट कर लूँगी तो ये टोटल हमें फ़ोर पीस मिल गए हैं अब जो प्रिंटेड कपड़ा है उसकी साइड में इस तरीके से एक बेल्ट को हम रखेंगे और सिलाई कर लेंगे उसके बाद दूसरे बेल्ट को यहाँ पर इसकी रॉन्ग साइड पर ही रखेंगे और यहाँ पर भी हम सिलाई कर लेंगे तो देखिए इस तरीके से ये हमारा प्रिंटेड कपड़े के साइड में प्लेन कपड़ा दोनों साइड अटैच हो गया है हाथ से ही दबाकर मैंने प्रेस कर ली है अब साइड से जो भी एक्स्ट्रा है उसे मैं कट करके निकाल दूंगी तो सेम तरीके से मैंने दो पीस रेडी कर लिए हैं और उसका मेजरमेंट है सेवनटीन बाय सिक्सटीन इंच और इसी के साइज का अब हमें फोम लेना है तो एक पीस के नीचे मैंने फोम को रखा और इस तरीके से जहाँ पर सिलाई थी हमारी जो ज्वाइंट था वहाँ पर सिलाई करके मैंने फोम को अटैच किया है सेम इसी तरीके से सेकंड साइड पर भी जो जॉइंट है वहीं पर हम सिलाई करके इसे फिक्स करेंगे तो ये हमने सिर्फ फोम को यहाँ पर अटैच किया है आप चाहें तो किसी भी कपड़े का इस्तेमाल करके नीचे अस्तर भी लगा सकते हैं अब जो भी फोम एक्स्ट्रा हो रहा है उसे मैं कट कर करके निकाल दूँगी और उसके बाद देखिए सेम दोनों पीस को मैंने इसी तरीके से रेडी कर लिया है अब 42 टू बाय फोर इंच की एक और स्ट्रिप ले ली है मैंने लंबी और इसे मैंने फोल्ड कर लिया बीच से कट करके दो स्ट्रिप बना दी अब देखिए मैंने इसका मेजरमेंट आपको नहीं दिखाया था तो फिलहाल दिखा देती हूँ सेवनटीन बाई सिक्सटीन इंच है ये अब इस रेडी पीस के दोनों साइड पर हम फाइव इंच को मार्क करेंगे और इस स्ट्रिप को हमें यहाँ अटैच करना है उससे पहले एक छोटा सा कपड़ा लेंगे सेवन बाय फाइव इंच का इसके साथ मैंने अस्तर अटैच कर लिया है अब सेवन इंच की मैंने जिप ली है और जिप को यहाँ पर राइट साइड पर हम अटैच करेंगे और रॉन्ग साइड पर टर्न करके यहाँ हम प्रास्टिच कर लेंगे रनर ऐड कर देना है उसके बाद देखिए इसे हम यहाँ पर अटैच करेंगे तो ये हमारा पॉकेट बनेगा दोनों स्ट्रिप के बीच में हमें इसे अटैच करना है तो जहाँ पर आ रहा है वहाँ पर रख कर मैंने मार्किंग कर ली है और जो नीचे वाली मार्किंग करी है वहाँ पर इस तरीके से हम उल्टा रख कर इसे सीधी सिलाई करेंगे देखिए इस तरीके से तो ये सिलाई हो गई अब इसे हम ऊपर की तरफ फोल्ड कर लेंगे और फिर यहाँ पर इस तरीके से देखिए जो स्ट्रिप हमने अटैच करनी है हैंडल के लिए उसे यहाँ पर इस तरीके से हम फोल्ड करके रखेंगे मैंने थोड़ा सा क्रॉस में इसे फोल्ड करके रखा है थोड़ी सी डिज़ाइन लगे इस तरीके से और इसे देखिए हम इस तरीके से यहाँ पर फिक्स कर लेंगे ऊपर तक हम सिलाई करते जाएंगे लेकिन लास्ट तक नहीं करनी है वन इंच जितनी जगह हम छोड़ देंगे और इस तरीके से वापस सिलाई को घुमा लेंगे अब फिर से हमें नीचे तक सिलाई कर लेनी है और अच्छे से इस ट्रिप को हम यहाँ पर फिक्स कर लेंगे सेम इसी तरीके से अब हमें दूसरी साइड पर स्ट्रिप को अटैच करना है तो यहाँ पर देखिए नीचे से ही मैं इस तरीके से आगे सिलाई करके लेकर जाऊँगी और फिर यहाँ पर हम स्ट्रिप को इस तरीके से जैसे वहाँ किया था वैसे ही यहाँ अटैच करेंगे और यहाँ पर हम जिप की ऊपर वाली साइड पर भी सिलाई कर लेंगे तो ये हमारा छोटा सा पॉकेट यहाँ रेडी है अब जो दूसरा पीस था वहाँ पर हमें पॉकेट नहीं लगाना है बस ऐसे ही हम यहाँ पर स्ट्रिप को अटैच कर लेंगे आप चाहे तो यहाँ सेकंड साइड पर भी पॉकेट को अटैच कर सकते हैं या फिर विदाउट पॉकेट आपको इस तरीके से स्ट्रिप को फिक्स कर लेना है अब हम लेंगे इसी के साइज की एक जिप जिप को कपड़े के ऊपर उल्टी रखेंगे और उसके ऊपर अस्तर का कपड़ा रखना है उसी के साइज का हमें दो पीस अस्तर कट कर लेना है और फिर इस तरीके से सेट करके हम यहाँ पर सीधे सिलाई करेंगे अब देखिये इस तरीके से हम कपड़े को पलटेंगे और जिप बाहर की तरफ रहेगी और दोनों कपड़े इस तरीके से सेट हो जाएंगे इसी तरीके से हम दूसरे पीस को भी करेंगे तो देखिए जिप को रखेंगे मेन कपड़े के ऊपर उल्टी और उसके ऊपर अस्तर का कपड़ा रखेंगे और यहाँ पर भी हम सीधी सिलाई कर लेंगे तो देखिए ये हमारा दोनों साइड पर अस्तर आ गया और ज़िप बीच में आ गई और ये कपड़े इस तरीके से सेट हो गए हैं अब हाथ से ही हम इसे थोड़ा सा सेट कर लेंगे दबाकर और यहाँ पर हमें दोनों साइड पर सिलाई कर लेनी है तो ये हमारा अस्तर का कपड़ा जिप और मेन कपड़ा तीनों अच्छे से फिक्स हो जाएंगे और यहाँ पर हम रनर ऐड कर लेंगे उसके बाद देखिए हमें अस्तर के कपड़े को एक साइड पर करना है और मेन कपड़ा जो फोम वाला है उसे दूसरी साइड पर कर लेना है और इस तरीके से हम यहाँ पर सभी साइड पर सिलाई करेंगे लेकिन अस्तर को यहाँ नीचे से थोड़ी सी जगह हम ओपन छोड़ेंगे तो देखिए नीचे वाले हिस्से से ही मैंने अटैच करना स्टार्ट किया इसे जॉइंट करना स्टार्ट किया है और यहाँ जो मेन कपड़ा है वहाँ पर भी हम इस तरीके से पूरे में सिलाई करते जाएंगे और वापस जो अस्तर का कपड़ा था वहाँ लास्ट तक इस तरीके से सिलाई कर लेंगे तो देखिए सभी जगह पर मैंने यहाँ पूरे में सिलाई कर ली बस इतनी सी जगह ओपन छोड़ी है अब यहाँ पर इस तरीके से हमें इसे फोल्ड करना है थोड़ा सा मोड़ना है और इसका जो कॉर्नर बनेगा वहाँ पर हमें टू इंच पर मार्क करना है अब मार्क करके इस तरीके से हम यहाँ पर सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे और फिर यहाँ पर हमें सिलाई करनी है तो देखिए इस तरीके से आपको यहाँ पर सिलाई करनी है और फिर एक्स्ट्रा जो भी है उसे कट कर देना है सेम इसी तरीके से सेकंड कॉर्नर को भी हम कर लेंगे और जो फोम वाला हिस्सा है मेन कपड़े वाला वहाँ पर भी सेम तरीके से हमें 2.5 इंच पर मार्क करना है सीधी लाइन ड्रॉ करके सिलाई करनी है और फिर जो भी एक्स्ट्रा है उसे दोनों साइड पर सेम तरीके से करके कट कर लेंगे अब जो ओपन जगह छोड़ी थी वहाँ से हम इसे सीधा करेंगे और रनर के पास से ओपन करके पूरा हम सीधा कर लेंगे उसके बाद जो यहाँ पर ओपन जगह थी उसे देखिए रफ है जिसको हम अंदर की तरफ पुस्ट करेंगे पहले अच्छे से कॉर्नर निकालने हैं और फिर इस तरीके से यहाँ पर हम पकड़ेंगे और यहाँ एक सिलाई कर लेंगे तो देखिए मैंने इस तरीके से यहाँ पर सिलाई कर ली है अब इस हिस्से को अस्तर वाले हिस्से को हमें अंदर की तरफ पुश करना है अच्छे से सेट कर लेना है सो so, फ्रेंड्स आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा अच्छी बड़ी साइज का ये हमारा बैग बनकर रेडी हो चुका है इसके बाहर की साइड भी हमने एक जिप वाला पॉकेट बनाया है और उसके हैंडल है काफ़ी ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं और इसका काफ़ी ज़्यादा बड़ा सा बॉटम भी है तो का आप इस तरीके से छोटे छोटे बचे कपड़ों का इस्तेमाल करके बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडी और यूजफुल चीज़ें बना सकते हैं आई होप दोस्तों आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा और आपके लिए यूजफुल होगा अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है यूजफुल लगा है तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक करना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना फिर मिलेंगे ऐसे ही और यूजफुल वीडियो के साथ तब तक, तक के लिए जय भारत